त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में आज सातारा प्रकरण को लेकर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के तत्वावधान व मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल के नेतृत्व में पीड़ित परिवार के परिजनों व दलित समाज द्वारा धरना दिया गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। धरना स्थल पर पहुंचे चूरू विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि सातारा प्रकरण में हमले के बाद मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाता तो पीड़ित परिवार पर दूसरी बार हमला नहीं होता। हमलावरों के पक्ष में पुलिस का मूक दर्शक बने रहने से ही वहां के हालात इतने गंभीर हुए हैं। अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में दलित अत्याचार की घटनाएं आम हो चुकी है। वहीं धरने के बाद राठौड़ के नेतृत्व में पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया, चूरू पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद राहड़ आदि ने SP चूरू से वार्ता कर उक्त प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था कि सातड़ा प्रकरण में जो दो माँ बेटे दबंगी हमले में घायल हैं और दोनों चूरू हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आज तक उनकी गिरफ्तारी के लिए कहा था। अगर रविवार शाम तक वो नामजद आरोपी सारे गिरफ्तार हो जाते हैं तो ठीक है, वरना सोमवार को वो समाज है वो धरने पर बैठेगा, सर्व समाज के लोग। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। SP है, एडिशनल SP सब जातिवाद पे उतरे हैं और आज तक उन दलितों को न्याय नहीं मिला। दो लोगों को उठाया था, वो भी 151 में, उनकी भी जमानत हो चुकी है। मानसून के दौरान जिले में चल रहे वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत आज गोपालपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जोरदार नजारा देखने को मिला। महात्मा गांधी नरेगा में बापू वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ पर भारी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष उत्साह से सराबोर दिखाई दिए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला प्रमुख वंदना आर्य ने ग्राम पंचायत में इस विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम की सराहना करते हुए बताया कि पूरे जिले में महानरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं। इस दौरान विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा कि लगाए गए सभी पौधे जीवित रहे, यह हमारी कोशिश रहनी चाहिए। गांव की गोचर भूमि पर आज जन प्रतिनिधियों अधिकारियों सहित ग्रामीण महिला पुरुषों ने 5000 पौधे लगाए। वहीं चूरू पंचायत समिति में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर राठौर ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है। आज चूरू पंचायत समिति में वृक्षारोपण किया गया है। इसी क्रम में पंचायत स्तर पर 2000 पौधे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरला सहारण, चूरू पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, जिला उपप्रमुख महेंद्र न्योल सहित कई लोग उपस्थित थे। हर ग्राम पंचायत में अलग अलग पंचायतों में ये लगवाएं, मैं उनको धन्यवाद और बधाई देने आया हूँ इनकी रचनात्मक पहल की, क्योंकि पर्यावरण ही आज सबसे बड़ा मानव संस्कृति का दुश्मन बना है, इसलिए आज वृक्षारोपण का कार्य यहाँ संपन्न हुआ है। राठौड़ साहब की प्रेरणा से मैं आज पंचायत समिति से वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर 2000 पौधे लगाएंगे और 1000 से अधिक पंचायत समिति में पौधा लगाकर हमने आज शुरुआत कर दी है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2000 पौधे लगवाएंगे। जिला मुख्यालय पर आज भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर के सभी 60 वार्डों में फैली समस्याओं के निवारण हेतु युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मदल गोपाल बालान के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। बालान ने बताया कि शहर के सभी 60 वार्डों में सड़क, नाली व सफाई से संबंधित सभी छोटी बड़ी समस्याओं का उल्लेख करते हुए आज यह 60 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है और सभी समस्याओं का निर्धारित समय पर निवारण करने की मांग की गई है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, मनोज सैनी, शोपुरा सहित अन्य पार्षदगण व मोर्चा के अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर की सफाई दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, शहर की सफाई दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चूरू शहर की समस्याओं को लेकर, चूरू शहर में पानी की समस्या को लेकर, चूरू शहर में सफाई और गंदगी की व्यवस्था को लेकर युवा मोर्चा द्वारा नगर परिषद में ज्ञापन देकर
विरोध जताया गया है और विरोध प्रदर्शन करके हमने ये सभापति महोदय और आयुक्त महोदय नगर परिषद प्रशासन को ये अवगत कराया है कि शहर में जो हालात बने हुए हैं, शहर की जो समस्या बनी हुई है, जिससे आम जनता त्रस्त है, आम जनता परेशान है, जबकि आपकी सरकार, आपका पूरा सिस्टम होने के बावजूद भी यहाँ पर चूरू शहर में आम जन बड़े ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गली मोहल्ले में, वार्ड वार्ड में पानी की गलियाँ पानी से भरी हुई है। यह ना कि कोई बरसाती पानी है, यह चूरू शहर की स्थायी समस्या जो कि पूरी होती है लेकिन बार बार बिगड़ती रहती है। हम युवा मोर्चा आह्वान करते हैं कि चूरू की समस्त समस्याओं को, चूरू की गंदगी के ढेर को, जोरी सागर से जुड़ी हुई समस्या को, वार्डों की समस्या को, वहाँ पर हो रही गंदगी को, वहाँ पर जो गंदगी से संबंधित समस्या है, जो बीमारियाँ पनप रही है, उन सभी समस्याओं को हल करें, उनका निदान करें। आज युवा मोर्चा ने आज 60 वार्डों की 60 समस्याओं को लेकर 61 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों के साथ में ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध जताया है। हमने नगर पालिका के अंदर सारी जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को और हमारी जो समस्याएं हैं वार्डों की, शहर की जो समस्याएं, उन शहर की समस्याओं को फोटो सहित और लोकेशन सहित हमने पूरे नगर पालिका में चस्पा कर दिया है। अगर यहाँ पर सभापति जी और आयुक्त जी नहीं है तो वो आकर देख ले। हमने बाकायदा वार्ड की लोकेशन सहित दी है कि आप उस लोकेशन पे जाके देखिए और उन समस्याओं को दुरुस्त कीजिए। अगर ये समस्याएं दुरुस्त नहीं होती है तो युवा मोर्चा आंदोलन पर और उग्र आंदोलन करने पर उतारू होगा। इसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक नायन टोगस द्वारा जिले भर में किए गए एएसआई के तबादलों का असर रतनगढ़ पुलिस थाना पर भी हुआ है। क्षेत्र में पदस्थापित 2 एएसआई का स्थानांतरण आज हुआ है तथा 2 अन्य एएसआई शीघ्र ही अपना चार्ज संभालेंगे। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार एएसआई कुशलाराम का राजगढ़ एवं हिम्मत सिंह का तबादला सरदारशहर हुआ है। वहीं भालेरी थाना से गुरुराम प्रजापत एवं सरदारशहर थाना से राजेंद्र सिंह को रतनगढ़ पदस्थापित किया गया है। जिला मुख्यालय पर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए नगर परिषद की प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल ने बताया कि दिनांक 15 जुलाई 2021 को नगर परिषद चूरू की साधारण सभा का आयोजन किया गया था। सदन में नगर परिषद के दिवंगत कर्मचारियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा हमेशा से रही है, जबकि इस परंपरा का निर्वहन नहीं हुआ। वहीं सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्तावों पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। ऐसी परिस्थितियों में दिनांक 15/7/2021 की बैठक पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत कार्रवाई करते हुए निलंबित करने की मांग की गई है। नगर परिषद में सभापति महोदय ने 15 तारीख को जो मीटिंग बुलाई थी वह असंवैधानिक तरीके से मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में न तो कोई औचित्य रहा, न कोई किसी से बहस करवाई और न ही किसी का कोई पूछने का, बोलने का, पार्षदों का कोई मनोबल नहीं रखा। और उसको उसके बाद में उन्होंने अपने 5-7 पार्षदों को खड़ा कर हो हल्ला मचा करके और बस सिर्फ एजेंडा फटाफट बोल दिया, किसी को एक कानून एक शब्द तक नहीं पता। और वो ऐसे चाह करके और ऐसे मीटिंग करके और चली गई। 10 मिनट में उन्होंने मीटिंग खत्म कर दिया। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि मीटिंग दोबारा बुलाई जाए और सभी एजेंडों पर बहस की जाए कि ताकि शहर की जो समस्या है, जो आज पानी की है और नालियों की गंदगी की है, इसके बारे में बहस की जाए। पूरे देश की बिजली टूटने की सारी समस्याओं के बहस करके और इस मीटिंग में जनता के लिए फायदा हुए, इसलिए हम ये ज्ञापन देने के लिए। सभापति महोदय ने कहा है कि मैंने नाला और नालियों की 6 लाख रुपये लगा करके सफाई कराई गई है। 6 लाख रुपयों की सफाई आज कराई होती तो आज चूरू की दिशा और ही होती। और हम सभापति महोदय से ये पूछना चाहते हैं कि आपने नालों की सफाई की और बीजेपी पर आरोप लगाए कि नालों में कट्टे, रेत के कट्टे भर के डालते हैं और गिनाने की पाल तोड़ के इन्हें शर्म करनी चाहिए और कहीं भी एक भी हमें प्रमाण दे दे तो हम सभापति कहेगी तो मैं मेरे प्रतिनिधि से और पार्षद इस्तीफा दे दूंगी। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के महामंत्री चंद्रप्रकाश शर्मा को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जिला संयोजक मनोनीत किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी, जो कि अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण योजना का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुँच सके, इसके लिए प्रत्येक मंडल स्तर के लिए संयोजक
व सह संयोजक की नियुक्ति की जा रही है। इसी के तहत मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जिला संयोजक के पद पर मनोनीत किया गया है। जिला मुख्यालय स्थित धर्म स्तूप के पास आज आयोजित बैठक में अध्यक्ष शिवनाराम कालेर ने बताया कि चूरू क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा समर्थन मूल्य खरीद खरीफ वर्ष 2018-19 में किसानों से मूंग जींस की खरीद की गई थी, जिसमें मैसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी को इस खरीद केंद्र पर हैंडलिंग एवं परिवहन एजेंट नियुक्त किया गया था। इस हैंडलिंग एवं परिवहन एजेंट के कारण 725.29 क्विंटल मूंग नेफेड में खाते में जमा नहीं होकर समिति के खारा बीकानेर वेयर हाउस के खाते में जमा है। प्रत्येक माह वेयर हाउस द्वारा इसके बिल समिति को भेजे जा रहे हैं। इस मूंग के विक्रय के पश्चात राजफेड अंतर की राशि खरीद कर 6,975 विक्रय दर बारदाने सहित वसूल करेगा। ठेकेदार से समिति के अनुबंध के अनुसार समिति यह राशि ठेकेदार से वसूल करेगी। इस अवसर पर रियाजत खान, महावीर नेहरा, एहसान खान आदि उपस्थित थे। सहकारी समिति चूरू की संचालक मंडल की विशेष बैठक बुलाई गई है, इसीलिए सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उपस्थित मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया गया है कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार बीकानेर है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो बार बार इसी ठेकेदार से कोई दलाली करके हमारे को पत्र दे रहा है कि उस ठेकेदार का आप भुगतान करो, जबकि भुगतान योग्य नहीं है। और जब मैंने मना कर दिया कि भुगतान नहीं करेंगे, संचालक मंडल ने मना कर दिया, आम सभा ने मना कर दिया, दोनों प्रस्ताव भेज दिए, तो सहायक रजिस्ट्रार समझो अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने लेटर दिया है हमारे को कि आप इस ठेकेदार का भुगतान कर दो और वसूली की कार्रवाई बाद में करना। तो हम वसूली की कार्रवाई बाद में कैसे करेंगे, क्यों करेंगे भाई? हमारा आकर के हिसाब कर दो, जो मूंग शॉर्ट है, जो उसने बारदाना ले रखा है, उसके पैसे का डिस्काउंट करके हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, ऐसे हम भुगतान उसको नहीं करेंगे। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया है और ये कहेंगे कि आप उसका भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा सकते हो, तो मैं बताता हूँ कि ये लेटर दे रहे हैं कि उसका भुगतान कर दो, आप पैसे बाद में कर लो। इसी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट के लिए बार बार दबाव डाल रहे हैं, बीकानेर की पार्टी के साथ उन्होंने साठ गांठ कर रखी है। बार बार वो कहते हैं कि पूरे बीकानेर डिवीजन के लोगों को प्रेस डाल रहे हैं कि एक अमुख आदमी से ही आप ऑडिट कराएं, जब सरकार ने उसका पैनल बना रखा है सीएस का, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए, एक एक लाख रुपए खाद जबरदस्ती भिजवा दी, किसी का ऑर्डर नहीं, कोई काम की वो खाद नहीं है, उसका हमने सैंपल भरवाया है, सैंपल उसका फेल हो रहा है, फिर भी कहता है उसको लेने पड़ेंगे और एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि ये अतिरिक्त रजिस्ट्रार महोदय कोऑपरेटिव संस्थाओं का सुपरविजन करते हैं कि ठेकेदारों की दलाली करते हैं? उसकी बाकायदा एसीडी से जांच होनी चाहिए और इसका भुगतान रुकवाया जाए और इसकी एसीडी से जांच करवाई जाए और इसको यहाँ से तुरंत प्रभाव से इसको बदला जाए ताकि हमारी संस्थाएं जिंदी रह सकें। इसीलिए हमने आज संचालक मंडल की मीटिंग बुलाई है और अभी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जाएंगे, मंत्री जी को भी देंगे। आपका नाम? किमनाराम, अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति चूरू। सरदार शहर प्रेरणा मंच एवं कर्मभूमि सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे साप्ताहिक स्वच्छता अभियान के तहत आज सेठ बुधमल दुगड़ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान तिरंगा स्टेडियम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। डॉक्टर दिलीप चौधरी के नेतृत्व में हुए सफाई अभियान में प्रेरणा मंच अध्यक्ष हंसराज सिद्धू, मुकेश राजपूत, धीरज प्रजापत सहित सेना भर्ती हेतु तैयारी कर रहे सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। रतनगढ़ के देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान शहर व देहात से आए लोगों ने बिजली व पानी की समस्याओं से गोदारा को अवगत करवाया, जिस पर गोदारा ने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर वार्ता की। गोदारा ने बताया कि भीषण गर्मी के इस दौर में पानी की आपूर्ति में हो रही कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गांव भुकरेड़ी, सीतसर, दीपसर एवं भोजासर के वार्ड 11 में अपनी योजना की हो रही पानी की आपूर्ति सुधारने के लिए कहा। इस अवसर पर देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह राय का, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेश रूरानिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।